इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह बैक्टीरिया हम इंसानों में होने वाले इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। बैक्टीरिया एक सेल वाले जीव होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करके सेल्स को डैमेज करने वाले टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। बैक्टीरिया कई तरह की बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। आइए कुछ बीमारियों पर नजर डालते हैं। ये साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से होने वाली फूड पॉइजनिंग है जो बुखार, पेट दर्द, उल्टी और डायरिया के लिए जिम्मेदार है। किचन में उचित साफ सफाई करके हम साल्मोनेला से बच सकते हैं। साल्मोनेला बैक्टीरिया को अवॉइड करने के लिए चिकन को प्रॉपर कुक करना चाहिए। इसके अलावा कच्चा मांस और सलाद जैसे बिना पकाए खाए जाने वाले खाने को अलग अलग रखना चाहिए। कच्चे मांस को छूकर हाथ हमेशा धोने चाहिए। जिनोरिया, जिनोरिया के लिए भी बैक्टीरिया जिम्मेदार है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के जरिए ट्रांसमिट होती है। पीनस या वेजाइना से गाढ़े पीले या हरे रंग के लिक्विड का बाहर निकलना और यूरिनेशन के दौरान पेन का होना जिनोरिया के सिम्टम्स हैं। देर होने पे जिनोरिया को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। वहीं समय पे इसका ट्रीटमेंट न होने पर ये लॉन्ग टर्म पेल्विक पेन और इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इसके सिम्टम्स दिखते ही तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए ताकि इसे समय रहते एंटीबायोटिक्स की मदद से कंट्रोल किया जा सके। वहीं कॉन्डोम्स जैसे बैरियर्स की मदद से इसके प्रसार को नियंत्रित भी किया जा सकता है। मुख्यतः लंग्स को अफेक्ट करने वाला ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी भी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। टीबी से इन्फेक्टेड किसी इंसान या जानवर के कफ या स्नीजेस की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को इनहेल करने पर यह रोग फैलता है। लगातार आने वाली खांसी, बुखार, थकान और गले में सूजन टीबी के सिम्टम्स हैं। ये बेशक खतरनाक बीमारी है लेकिन समय पे एंटीबायोटिक्स लेकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कई देशों में वैक्सीनेशन की मदद से टीबी के केसेस को काफी हद तक कम किया जा चुका है। स्टमक अल्सर्स के लिए भी बैक्टीरिया जिम्मेदार होती है। पेट में दर्द के साथ जलन का होना स्टमक अल्सर को इंडिकेट करता है। ऐसा माना जाता था कि स्पाइसी फूड या स्ट्रेस की वजह से पेट में ज्यादा एसिड बनता है जो स्टमक अल्सर के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन 2005 में दो रिसर्चर्स ने पता लगाया कि स्टमक अल्सर के लिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जिम्मेदार होती है। इसे प्रूव करने के लिए उन दो में से एक साइंटिस्ट ने खुद को इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट भी किया। तो इस वीडियो में हमने बैक्टीरिया से होने वाली कुछ डिजीजेस को देखा, लेकिन ध्यान रहे कि कुछ बैक्टीरिया हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी भी हैं। हमारे डिजेस्टिव सिस्टम के भीतर करोड़ों बैक्टीरिया मौजूद हैं जो फूड की ब्रेकिंग को सपोर्ट करते हैं।